भगवान का चांद देखेंगे। हाँ बेटा चल। अम्मी वो देखो चांद। बेटा अल्लाह से दुआ करो, रमजान का चांद देखकर हम जो भी दुआ मांगते हैं ना वो कबूल होती है। मेरे प्यारे शौहर, आपको भी रमजान का चांद मुबारक। और हाँ, ईद से 10 दिन पहले ही आ जाएगा। जी ठीक है। अम्मी कल मुझे सहरी में उठा देना, मैं भी रोजा रखूंगा। नहीं शहजादे, अभी आप 7 साल के हो, जब बड़े हो जाओ तब रखना रोजे। नहीं अम्मी, मैंने सुना है जो रोजा रखते हैं वो जन्नत में जाते हैं, इसलिए कल मैं भी रोजा रखूंगा। चल अच्छा बच्चा है। अम्मी सहरी निकल गई, तुमने मुझे उठाया नहीं। छोटे हो, आओ सो जाओ। अम्मी सलाम अलैकुम, मैं नमाज पढ़ के आ गया। वालेकुम अस्सलाम मेरे शहजादे, नमाज पढ़ ली? अल्लाह तुम्हें नमाज का ही बहुत सारा सवाब देगा। दोपहर हो गई है मेरे बेटे, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये ले खाना खा ले। नहीं अम्मी, तुम्हें पता नहीं है मेरा रोजा है, अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरा रोजा टूट जाएगा। मेरे लखते जिगर, बच्चे एक दाड़ का रोजा रखते हैं तो भी एक दाड़ का रोजा रख लो, लो खाना खा लो। नहीं अम्मी, मैं भी तुम्हारी तरह रोजा रखूंगा, एक दाड़ का नहीं रखूंगा। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, देख कैसे होठ सूख रहे हैं, ले खाना खा और पानी पी। नहीं अम्मी नहीं, क्या आपको पता नहीं है रोजा तोड़ना कितना बड़ा गुनाह होता है। बेटा मैं सारा गुनाह अपने सर ले सकती हूँ, लेकिन तुझे भूखा नहीं देख सकती। कुछ भी हो अम्मी, रोजा नहीं तोड़ूंगा मैं, जान दे दूंगा मगर अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ूंगा मैं। चल ठीक है बेटा, आराम कर। अल्लाह मेरे बेटे को रोजा मुकम्मल करने की हिम्मत दे। उठकर नमाज पढ़ ले, मैं इफ्तार का इंतजाम कर रही हूँ। अम्मी शहजादे उठ जा बेटा। उठा नहीं जा रहा है मेरे बेटे, क्या हो गया? अम्मी रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। ले पानी पी ले, उठ जा। अम्मी अभी अजान नहीं हुई है, अभी नहीं पीऊंगा पानी। मेरे बेटे तेरी अब बहुत तबीयत खराब हो रही है, पी ले पानी, तोड़ दे रोजा। अम्मी बेटा बेटा क्या हो गया? उठ बेटा उठ, अजान हो रही है, उठ मेरे बेटे उठ। या अल्लाह अल्लाह, बेटी मैं फकीर नादार हूँ, अजान हो गई है कुछ खाने को दे दे, मैं रोजदार हूँ। ये लो बाबा। क्यों परेशान है बेटी? बाबा मेरे 7 साल के बेटे ने रोजा रखा, बर्दाश्त न कर सका और मर गया। अल्लाह अल्लाह, तेरी इबादत का ये सिला तो नहीं हो सकता, इस मासूम बच्चे के रोजा रखने का ये तोहफा तो नहीं हो सकता। इस मासूम बच्चे ने तेरे लिए रोजा रखा, अब तू इसे इफ्तार करा मेरे अल्लाह, इसे जिंदा कर, इसे इफ्तार करा, इसे इफ्तार करा मेरे अल्लाह, इसे इफ्तार करा मेरे अल्लाह, इफ्तार करा, इफ्तार करा, इसे इफ्तार करा मेरे अल्लाह। अम्मी बेटा ले। ये वाक्या एक हकीकत है, रमजान में मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, ये रमजान की बरकत है।